आसियान में कितने देश थे? 10। आप 10ों के नाम बताएंगे, ऊपर से 5 और नीचे में 5। ऊपर में आंख बंद करके इत्मीनान से जितना बोलते हैं उतना साथ साथ बोलिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं साथ बोलिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहला इधर हो जाएगा म्यांमार, दिमाग में रखिएगा, म्यांमार के नीचे थाईलैंड है। म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड। उसके बाद लावोस कंबोडिया, लावोस कंबोडिया वियतनाम, ये तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आ जाएंगे सर। नीचे देखेंगे मलेशिया, इधर भी है इधर भी है। तो मलेशिया से इधर से टूटा सिंगापुर, इधर से टूटा ब्रुनेई, तो मलेशिया सिंगापुर ब्रुनेई। नीचे हो गया आपका इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कौन सा है? ये है आपका इंडोनेशिया है। ये बहुत ज्यादा द्वीप है सब, इसमें बहुत ज्यादा द्वीप है सब, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह। उसके बाद आपका फिलीपींस है, फिलीपीन की राजधानी मनीला है। फिलीपीन की राजधानी क्या है? मनीला। आपसे हम क्वेश्चन कहते हैं कि फिलीपीन की राजधानी मनीला, यहाँ पर एक बैंक है जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपीन की राजधानी मनीला में है। ये आइडिया हम आपको हल्का फुल्का यहाँ तक आप लगा लिए होंगे। पाकिस्तान के बारे में कुछ बता रहे थे, चलिए थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में और डिटेल से देखते हैं। आज ज्यादा लंबा क्लास नहीं चलेगा, गांधी जयंती है, फिर मेरा तबीयत भी थोड़ा सा गड़बड़ है, गला ना बज गया। तबीयत को कोई दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत गला को है। गला के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे वो बढ़ जाएगा, तो फिर दिक्कत बहुत भयानक आ जाएगी। ये है भैया पाकिस्तान। सीपीसी सड़क कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सीपीसी सड़क पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान, अब हम आपसे जो पूछते जाएंगे उतना बताइएगा। ये पीओके का एरिया है, एक्चुअली पाकिस्तान का, ये इंडिया का ही है, अभी इसके पास है फिलहाल। किसके पास है? फिलहाल है आपका पाकिस्तान के पास। तो ये एक्चुअली देखिए, ये इस नक्शा में पीओके को उसमें दिखा दिया है, रियल एक्चुअली क्या है कि ये नक्शा क्लियर है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। आप इसको अदरवाइज में ये नहीं लेंगे कि हम पाकिस्तान को, ये नक्शा का नक्शा आपको क्लियर देखिए, इसलिए मजबूरी में यूज कर रहे हैं। ये ऑक्सफोर्ड का पब्लिशन का जो है वो वाला नक्शा है, इसलिए इसमें उसको दिखा दिया है। आप अन्यथा नहीं लीजिएगा, वरना कई लोग इसको सीरियस लेने लगते हैं। देखिए ये बंदरगाह कौन सा है? ये वाला है कराची, और ये वाला कौन सा है? ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह। अब यहाँ पर पहाड़ी है, यहाँ पर किरथर की पहाड़ी है। ये पाकिस्तान में एक बहुत मकरान तटीय श्रेणी, यहाँ पर मकरान की पहाड़ी है। यहाँ पर कौन पहाड़ी है? मकरान। और यहाँ पे सुलेमान और किरथर, पाकिस्तान में दो पहाड़ी इधर मिलेंगी, ये सुलेमान किरथर मकरान, सुलेमान किरथर मकरान। ये पाकिस्तान की सबसे प्रमुख पहाड़ियां हैं, जिनके पास एटलस है, जो एटलस खरीद लिए हैं उनके पास। आप एशिया का नक्शा खोलिए, वहां पाकिस्तान जहां मिलेगा वहां इसको ढूंढिएगा, ठीक है। आप लोग पहले दिमाग में आइडिया लगा के रखिएगा कि हम कौन सा चीज पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एटलस रहेगा। तो सुलेमान किरथर एवं मकरान की पहाड़ियां पाकिस्तान में। इसके ऊपर यहाँ पर एक नमक की पहाड़ी है। तो पाकिस्तान में चार पहाड़ी अक्सर पूछता है, नमक, सुलेमान, किरथर, मकरान, ये पहाड़ियां हैं। आपको एक चीज याद होगा कि दुनिया में पहली बार जो खेती हुई थी वह से लगभग 7,000 साल पहले हुई थी, और यह खेती जो थी वो सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में की थी, और ये जौ की खेती थी। तो सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियां कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, और पहली बार जो खेती हुई थी वो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में ही वो खेती की गई थी। ये तो मकरान तटीय श्रेणी है। इसके ऊपर एक साल्ट रेंज है जिसका नाम है नमक की पहाड़ी। उस पहाड़ी से नमक बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है, इस सीमा के उत्तरी भाग में यहां से यहां तक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है हिंदुकुश पर्वत। ये पर्वत का नाम क्या है? हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत जाके मिल जाता है किससे? हिमालय पर्वत से जाकर मिल जाता है। तो पाकिस्तान के लिए बाउंड्री का निर्माण कौन कर देता है? हिंदुकुश पर्वत। और पाकिस्तान के उस साइड आ जाता है अफगानिस्तान। पाकिस्तान में आप देखेंगे तो बहुत सारा एरिया पहाड़ी एरिया है। अब क्वेश्चन कहेगा कि पाकिस्तान का पूर्वी भाग यानी ईस्टर्न पार्ट जो पाकिस्तान इंडिया से लगा है, इधर पहाड़ ज्यादा है, या फिर पाकिस्तान का वेस्टर्न पार्ट जो अफगानिस्तान और हिंदुकुश पर्वत से लगा है उधर पहाड़ ज्यादा होगा? तो जेन्युइन है कि पहाड़ की मात्रा इस साइड में ज्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ देखेंगे आप पहाड़ को तो इस एरिया में आपका मकरान तटीय श्रेणी है, सुलेमान है, किरथर है, नमक की पहाड़ियां, वो ज्यादातर पहाड़ इसी साइड में किया गया है ये वाले में। और भारत के साइड वाला एरिया ज्यादा हरा भरा है, और इधर का एरिया उसके लिए सही है। इसमें दो ही चार प्रमुख राज्य हैं सब, पाकिस्तान के चार प्रमुख राज्य। सबसे बड़ा जो राज्य है
वो आपका बलूचिस्तान है, जो कहता है कि हम पाकिस्तान में रहेंगे ही नहीं। बलूच सब अपने आप को कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है ही नहीं है। वहाँ पाकिस्तानी सेना बहुत ज्यादा जुल्म करती है बलोच में। बलोच के लोग भारत से कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। तो पाकिस्तान ये बात किसी से नहीं कहेगा कि हम बलोचों पे जुल्म करते हैं। लेकिन दुनिया में जाएगा ना तो पाकिस्तान क्या कहेगा कि भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है। भाई पहले एक बार खुद के गिरेबान में झांक लीजिए। अगर कश्मीर से हमारी सेना के ऊपर पत्थर न चले तो फिर कश्मीर के हमारी सेना पागल नहीं हुई है जो गोली मारेगी, क्योंकि हमारे इतने राज्य भी तो हैं, अन्य जगहों पे कहीं गोली मारा जाता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं हम कश्मीर को अलग कर देंगे, उसके बाद ये उम्मीद रखे कि हमारी सेना उनकी आरती उतारेगी, तो जरूर आपकी आरती उतारेगी। लेकिन वो आरती थाली के दिए से नहीं उतारी जाएगी, बल्कि AK-47 के बुलेट से उतारी जाएगी। क्योंकि हमारे लिए देश, मजहब, इंसानियत सब बाद में, पहले हमारी देश की एकता और अखंडता की बात है। लेकिन बलूचिस्तान वालों पे जितना जुल्म होता है उतना भारत ने कभी नहीं किया। हाँ, कश्मीर में आतंकवाद को समझाने के लिए कोई आराम से समझाने वाला बात आतंकवाद नहीं है। आराम से समझाएंगे तो शहीद होते आ रहे हैं आज भी लोग। इसके बाद ये वाला आता है सिंध का एरिया, बताए थे। ये सिंध उसका खेती के लिए बहुत अच्छा एरिया है। इसी सिंध में एक बंदरगाह है, बंदरगाह का नाम क्या है, कराची बंदरगाह। सिंध में इस बंदरगाह का नाम क्या है, कराची बंदरगाह। अब ये जो सिंध है इसका एक शहर है, इसी सिंध प्रांत में आपका मिलेगा आपका मोहनजोदड़ो, जो वहां पे पाकिस्तान में था, चनहुदड़ो, ये सब पाकिस्तान का एरिया था, मोहनजोदड़ो वगैरह सिंध का एरिया। सिंध के नीचे ये बलूचिस्तान मिलेगा। इसी सिंध प्रांत का रहने वाला एक जगह था नवाबसा, जहां का रहने वाला था आसाराम बापू, वही जो बलात्कार कर दिया। तो आसाराम बापू बाद में आके यहाँ गुजरात में शिफ्ट हो गए, गुजरात और राजस्थान में चले आए, पाकिस्तान से आ गए। साले में लक्षण अभी भी वैसे ही है। भारत सरकार को भी कहना चाहिए पाकिस्तान से कि पाकिस्तान तुम दाऊद इब्राहिम को हमको दे दो, वरना हम तिहाड़ जेल से आसाराम बापू को छोड़ देंगे। छोड़ देगा, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए, वहां जाके सोच रहा जनसंख्या बढ़ा देगा, बुढ़वा बहुत खतरनाक है। आगे देखिए कहाँ से आया आसाराम बापू पाया हुआ है। तो ये एरिया हो गया आपका सिंध, और ये वाला हो गया बलूचिस्तान। अब इसके अलावे आप पाकिस्तान का ये वाला एरिया देखेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं लोग पंजाब, पंजाब, और ये हो गया पाकिस्तान। तो पंजाब में ज्यादातर पाकिस्तान का अच्छे लोग यहीं पंजाब में रहते हैं, नेता, मंत्री, अधिकारी, ये सारे लोग पंजाब वाले एरिया में रहते हैं। इसके ऊपर का ये एरिया जो दिख रहा है आपको, उसको हम लोग खैबर पख्तूनवा कहते हैं, खैबर पख्तूनवा। तो ये खैबर पख्तूनवा का जो एरिया है ये ज्यादातर आतंकवाद पीड़ित रहता है। खैबर पख्तूनवा का एरिया आतंकवाद पीड़ित रहता है। अब अभी पाकिस्तान ने एक नया संशोधन करके जम्मू कश्मीर का जो पीओके का एरिया था, ये पाकिस्तान, देखिए ध्यान से, कश्मीर के लोगों को कहता था कि तुम अलग देश हो जाओ, हम तुम्हें अलग देश होने में मदद करेंगे, और खुद इसको अपना एक राज्य घोषित कर लिया। अभी भी वहां के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अलग घोषित करने के लिए कहेगा और उसके बाद आपको क्या क्या कह देगा कि भाई आप पाकिस्तान में मिल जाइए। हम कश्मीर के लोगों को ही कहते हैं, आप अगर पाकिस्तान में मिलने जा रहे हैं ये सोचकर कि पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा हैं, तो भैया हिंदुस्तान में भी 20-22 करोड़ हैं सब, यहीं रहिए ना। क्या आपको यहाँ के मुसलमान मुसलमान नहीं लगते हैं? वहीं वाला बम फोड़ुआ आपको मुसलमान लगता है सर? कहीं वो बम फोड़ देगा सर, लुंगी में बम डाल देगा सर, उदिया जाएंगे नीचे कहीं से गया। अच्छा भाले, उन सबको छोड़िए ना, आपको अगर आपको देश से ज्यादा आपको इस्लाम प्यारा है, तो यहाँ पे क्या कम इस्लाम वाले हैं? हिंदुस्तान में सब एक यहाँ भी रहते हैं, यहीं रहिए आप लोग। तो ये पाकिस्तान वाला है, लेकिन उन लोगों को बरगला के समझा समझा के आप माइंड वॉश कर देता है उन लोग का। तो ये एरिया है। इसके अलावे अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये जो खैबर पख्तूनवा है, ये आतंकवाद से बहुत भयानक पीड़ित रहता है। आतंकवादी यहाँ हमला करके भाग जाते हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के आतंकवादी हमला करके भाग आते हैं पाकिस्तान के इस एरिया में। तो पाकिस्तान के पास ज्यादा कुछ है नहीं, चौपट हो गया बेचारा आतंकवाद के को लेकर, और वहां के प्रधानमंत्री को चौपट कर दिया सब, वहां के मौलाना सब, वहां के मौलाना सब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ले गया सब वहां पे। और देखिए दुआ मांगना चाहिए तो अच्छी बात है, दिल से दुआ मांगना चाहिए। आप हिंदू हैं तो प्रणाम करके ऐसे हाथ जोड़ के दुआ मांगिए, मुसलमान है तो दुआ मांगिए। लेकिन इसके बाद भी आप ये देखिए कि आप किसी पद पर बैठे हैं तो वहां इमरान खान को रो रो के दुआ मांग रहा था सब, अब उसको मीडिया ने दिखा दिया। आप दिल से दुआ मांग रहे हैं तो मीडिया के सामने काहे मांग रहे हैं? दिल से दुआ मांग रहा है, कमरा में बंद होकर मांगिए कि हमारे देश को बचाइए, है कि नहीं? अभी प्रधानमंत्री के पद की गरिमा है, रो रहे हैं दे दीजिए। भाई अच्छी बात है, आप मांगिए, हम ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें पर्सनल है उनको पर्सनल रहने दीजिए, आपको मांगना है तो। लेकिन क्या, कौन समझाएगा इसको? बुद्धि नाम का चीजें नहीं, पूरी इंडिया, पूरा दुनिया मीडिया उसको हाईलाइट कर देगी, देखिए रो रहा है यहाँ पर। तो ये पाकिस्तान का एरिया, इसके पास कुछ है नहीं। इसका ये वाला एरिया अफगानिस्तान,
अब यहाँ देखिए, इस नक्शा को हम हटाते हैं, इंडिया का नक्शा लाते हैं। ये जम्मू कश्मीर है हमारा, यहाँ के एकदम सट के इसका इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एकदम सट के है। और यहाँ पंजाब जो हमारा है, उस पंजाब के पास पाकिस्तान का यहाँ लाहौर है। तो पाकिस्तान का चार पांच प्रमुख शहर याद नाम रखेंगे, वही आपसे पूछेगा। एक ये हो गया आपका लाहौर पूछ देगा, और ये हो गया आपका इस्लामाबाद। लाहौर और इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद इसकी राजधानी है और ये लाहौर है। और ऐसे ही नीचे के दो शहर याद रखेंगे, ये बंदरगाह कराची हो जाएगा और इधर वाला बंदरगाह हो जाएगा आपका ग्वादर बंदरगाह। वहां पे कराची, ये हो गया लाहौर, ये हो गया आपका इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के जस्ट ऊपर में आपको रावलपिंडी जिला है। अब आपके पास एटलस नहीं है तो हम आपको कैसे दिखाएंगे, इसलिए 2 दिन टाइम है आपके पास, सैटरडे संडे क्लास नहीं चलेगा। इस दौरान आप क्या करेंगे, एटलस हर हाल में खरीदेंगे, ताकि हम जहां बताएंगे वहां आप हाईलाइटर चलाएंगे। आप एक हाईलाइटर खरीद लेंगे सुग्गा कलर का, सुग्गा कलर मतलब समझते हैं, इस कलर का सुग्गा कलर का हाईलाइटर खरीद लेंगे, जो जगह बोलेंगे उसको ऐसे रंग दीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसे कराची होगा, जो लोग खरीद लिए हैं उसको कराची के पास ऐसे रंग देंगे, ऐसे ग्वादर के पास। ये लाहौर है, ये इस्लामाबाद है, ये रावलपिंडी है। रावलपिंडी जिला की दो विशेषता, एक तो यहाँ शुएब अख्तर रावलपिंडी से बहुत फेमस है, रावलपिंडी एक्सप्रेस, और यहीं पर आपका तक्षशिला है, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला है। जबकि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जिसने हॉस्टल दिया था वो नालंदा विश्वविद्यालय है। तो ये तक्षशिला है, ये कहेगा मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था, तो तक्षशिला। लेकिन गुप्त काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या कौन सा था आपका, ये नालंदा विश्वविद्यालय। और पाल वंश के काम में विक्रमशिला था, तो ये यहाँ पर तक्षशिला है। और इसी के पास है एबटाबाद, एक जगह है एबटाबाद जो जगह है, वहीं पे ओसामा बिन लादेन मारा गया था अमेरिकी सील कमांडो के ऑपरेशन में। तो ये इस्लामाबाद के पास, दो चीजें याद रखिएगा, रावलपिंडी जिला में आता है आपका, इस्लामाबाद के पास के रावलपिंडी जिला में तक्षशिला विश्वविद्यालय, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला था, लेकिन वो हॉस्टल सुविधा नहीं देता था। अब पाकिस्तान के जो बड़े शहर है उनको अपने दिमाग में आइडिया लगाइए, अगर हम आपसे कहते हैं कि ग्वादर बंदरगाह, तो कभी भी आपका आइडिया ऐसे थोड़ी आएगा कि ग्वादर यहाँ होगा। आपके मन में एक आइडिया आ गया कि नहीं ग्वादर कहाँ होगा, आप अपने मन से दिमाग में आइडिया लगा लेंगे कि भैया ये कराची होगा तो ये वाला एरिया ग्वादर होगा। समझ आ गया कि नहीं? अब जैसे हम आपको बोलते हैं ये ऊपर वाला ये है, और ये इसमें ऊपर वाले में इसमें लाहौर कौन सा होगा, तो आपको आइडिया लग गया कि भैया लाहौर भारत के पंजाब के पास है, तो ये लाहौर होगा। और ये कौन सा होगा, तो ये इस्लामाबाद होगा। इसके जस्ट ऊपर रावलपिंडी जिला आ जाएगा, उस जिला में कौन आ जाएगा, तक्षशिला। तो नक्शा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही होता है कि आपके दिमाग में फिगर होना चाहिए। जैसे हम आपसे कह दें कि कश्मीर, तो आपका दिमाग इधर थोड़ी जाएगा, आप सीधे कश्मीर मतलब हिंदुस्तान के ऊपर चले जाते होंगे, आपका दिमाग सीधे वहां जाना चाहिए। तो ये इस्लामाबाद हो गया। यहाँ पर आप पर्वत बताइए, तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा पे कौन सा पर्वत होगा, हिंदुकुश पर्वत। इसके इधर देखेंगे तो यहाँ पे नमक की पहाड़ी, सुलेमान, किरथर, मकरान, ये चार प्रमुख पहाड़ियों याद रखेंगे, इसका चार नहीं पांच हो गया ना, ये हो गया आपका कौन सा पर्वत है, ये हिंदुकुश, नमक की पहाड़ी, सुलेमान, किरथर और मकरान पर्वत श्रेणी। जिनके पास ये नक्शा है आप लोग उसको ढूंढेंगे, लोग नक्शा में कहाँ है, नहीं तो मंडे से हम आपको अब रेगुलर क्लास स्टार्ट कर देंगे। अब तक जितना क्लास है वो ये जो इंट्रोडक्शन की तरह है, लेकिन मंडे से जो क्लास है फुल फ्लेजेड हिसाब से चलेगा, जिस तरह से ऑफलाइन में चलता था। तो अभी तो हम मजबूरी है क्योंकि आपके पास एटलस की बुक भी नहीं है। यहाँ आइए, हम आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नंबरिंग लिख देते हैं, आपको बताना है कि नंबर की जगह पे क्या है वहां पर। जैसे हम यहाँ लिखते हैं एक नंबर, यहाँ लिखते हैं दो नंबर, एक ये है, ये है, और ये तीन जगह लिख देते हैं। आप यहाँ नंबरिंग के हिसाब से बताइएगा, ये तीन नंबर क्या है, ये चार नंबर क्या होगा, और ये पांच नंबर बताते चलेंगे लोग, ये क्या होंगे सब। ये सब शहरों के नाम लिखेंगे, जैसे मान के चलिए आपको एक नंबर लिखना है तो एक के जगह पे जो है उसको लिखिए, दो के जगह पे लिखिए, फटाफट आंसर दीजिएगा इसका, आपके दिमाग में आइडिया है या नहीं। आंसर दीजिए, एक नंबर ग्वादर सही है, दो नंबर कराची, के भी लिख देंगे तो सही है, समझ जाएंगे हम, आप एक एक अक्षर भी लिख देंगे हम समझ जाएंगे कि आप सही करना चाह रहे हैं। तीन बताइए, तीन नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को, हल्का तो दिख ही रहा है, और नहीं कुछ कुछ खास नहीं दिख रहा है, तीन नंबर।
चार, अब तो दिख रहा हो ना, पांच, तीन चार पांच सब बताएंगे। वेरी गुड। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, बना लिया आप लोग। ये वाला शहर जो है वो पंजाब लाहौर है, और ये वाला शहर जो है वो इस्लामाबाद है, और ये रावलपिंडी है, और रावलपिंडी जैसे आएगा तो आप समझ जाएंगे रावलपिंडी के पास ही तक्षशिला है, और इसी के पास था एबोटाबाद जहां पर ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था। पाकिस्तान में, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? लाहौर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, लाहौर नहीं, इसका थी इस्लामाबाद। आगे बढ़ जाए, पाकिस्तान की जोग्राफिकली एरिया आपको समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान का अगर पूछ देगा विवादित एरिया, तो ये हो गया आपका कराची, विवादित हो गया। पहाड़ बताइएगा ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी? मकरान तटीय श्रेणी, सुलेमान किरथर, और ये नमक की पहाड़ी। पूरा बड़ा कहेगा तो ये वाला हो जाएगा आपका हिंदुकुश पर्वत। पूरा बड़ा कहेगा तो हिंदुकुश पर्वत हो गया कि नहीं हो गया? बाकी पाकिस्तान के पास है क्या? कुछ मसालों के मामले में पाकिस्तान थोड़ा सा बढ़िया मामले में आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, यहाँ समझ में आ गया। बाकी कुछ शहरें हैं जो हमेशा फेमस रहती हैं, कभी बम फूटने की वजह से, कभी कुछ होने की वजह से। ये सड़क का नाम बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं ये सड़क का नाम? सड़क का नाम बताएंगे जो सड़क बनाए हैं, इस सड़क का नाम बताएंगे? रावलपिंडी इस्लामाबाद के नीचे है। देखिए, वेरी, देखिए इनका क्वेश्चन है सर, रावलपिंडी के नीचे है। ये एक जिला जो होता है ना, वो जिला का नाम कहीं लिख सकता है, तो एरिया तो बहुत बड़ा होता है ना, तो पूरा एरिया में वो नाम नहीं लिखेगा, मतलब पास में ही है वहां पर। आप समझ रहे हैं, ये समस्या आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। जैसे यहाँ अगर आप देख रहे होंगे नक्शा में, तो कितने बड़े एरिया में लिखा है दिल्ली, जबकि जहां दिल्ली लिखा है ना, आप देखेंगे तो वो दिल्ली लिखा है तो वो राजस्थान का एरिया है, लेकिन जहां दिल्ली लिखा है वहां जो स्टार बनाया है, तो जो पॉइंट बनाया है उस पॉइंट का मतलब होता है वो जगह कहाँ है, क्योंकि नक्शा में कोई चीज लिखेंगे ना काफी एरिया में हो जाएगा। सीपीईसी, वेरी गुड, वेरी गुड। सीपीईसी का हम लोग को विरोध करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर सके। सीपीईसी का विरोध नहीं कर सके हम लोग, पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए था। ये कौन कर रहा है? प्लीज सर, मुझे पॉलिटी के क्लास में अलाउ करें। इसको क्या दिक्कत है? पॉलिटी के क्लास में क्या लिए इसको अलाउ करना है? देखिए तो इसको निकाला गया है क्या पॉलिटी के क्लास से, कि एडमिशन नहीं हो पा रहा इसका? आगे देखिए, इसके बाद वाला राज्य जो है वो कौन सा मिलेगा, देश मिलेगा? अफगानिस्तान। इस नक्शे में आपको पहले, अभी हम आपको बता रहे हैं, जितना नक्शा बता रहे हैं ना, ये केवल आपको वही है जैसे आप नर्सरी में एबीसीडी पढ़े थे, जिसका कोई यूज नहीं है, लेकिन अगर पता नहीं रहेगा तो आगे फेल हो जाएंगे। तो आप ये मत समझिएगा नक्शा इतना ही है, अभी समझिए जितना आपके लिए एबीसीडी था ये उतनी ही वैल्यू है। बस हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि नक्शा, जब जैसे हम आपसे कहेंगे श्रीलंका, तो कभी भी आपका दुनिया में दिमाग इधर जाएगा श्रीलंका के लिए, तुरंत आपको श्रीलंका बोलेंगे तो हिंदुस्तान के नीचे दिमाग में आएगा। कहेंगे मालदीप, तुरंत इधर आना चाहिए। हम कहेंगे म्यांमार, तो क्या इधर खोजेंगे म्यांमार? तुरंत म्यांमार के लिए दिमाग में इधर आना चाहिए। तो मालदीप बता दें, ये हो गया मालदीप, ये हो गया श्रीलंका, मालदीप श्रीलंका हो गया, ये पाकिस्तान। अब थोड़ा सा अफगानिस्तान को देखते हैं। अफगानिस्तान हमारा, भारत का अफगानिस्तान से बहुत अच्छा संबंध है। क्यों? दो चार रीजन समझा देते हैं। ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान दुनिया का एक ऐसा, मतलब एक लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान कैसा है? लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक को हिंदी में कहा जाता है भूबद्ध देश। क्या कहा जाता है? भूबद्ध। अब अगर भारत का ओरिजिनली नक्शा देखेंगे तो अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है, 158 किलोमीटर लंबी ये सीमा लगती है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर रखा है, इसलिए अभी डायरेक्ट हमारी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। अब जियो पॉलिटिक्स को समझिएगा, जो लोग पॉलिटी फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं वो लोग को भी ध्यान से समझिएगा, कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन समझने में ये मदद करेगा, इंटरनेशनल रिलेशन में मदद कर। रविंद्र कुमार, आप पॉलिटी का क्लास नहीं देख पा रहे हैं, तो आप अपने एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ी होगा या परचेज नहीं कर पे होंगे। भाई ऑक्सफोर्ड के सेवा किसी का एटलस नहीं लीजिएगा, नवीन पब्लिकेशन हो या कुछ भी हो। दरोगा बैच का नामांकन नहीं हो रहा, एडमिशन क्लोज हो गया, सर्वर भर गया है। आप ये जो फ्रंट एंड का सर्वर मैक्सिमम कैपेसिटी पे जा रहा है, फ्रंट एंड वाले को 7,000 से ज्यादा नहीं देने दीजिएगा, बाकी को AWS पे या फिर बैक एंड पे भेजिएगा, वरना ये भी चला जाएगा।
जिसका भर गया वो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ कंटिन्यू समझिए, ये अफगानिस्तान जो है ये हमारी सीमा लगती थी लेकिन अभी नहीं लगती है, फ्यूचर में फिर लगने लगेगी जब हम पीओके को लेकर वापस आ जाएंगे तब। अब अफगानिस्तान में एक बात समझिए, चाणक्य जो थे उन्होंने कहा था कि हमारा जो दुश्मन होता है ना, हमारा दुश्मन और अगर इसका भी कोई दुश्मन है तो यानी हमारे दुश्मन का दुश्मन ऑटोमेटिक हमारा दोस्त हो जाता है। मतलब समझे, हमारे दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाएगा, हमारा दोस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों मिलके इसको पूछ देंगे लोग, यही अच्छा है। याद रखिएगा, हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ये चाणक्य नीति कहता है। इसीलिए मनमोहन सिंह हो चाहे मोदी जी हो, दोनों लोग मिलकर अफगानिस्तान को अपने फेवर में लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान से आतंकवाद कमजोर हो जाएगा तो अफगानिस्तान के लिए अच्छा होगा। इसलिए भारत अफगानिस्तान में बिजली बनाने के लिए अपनी खर्चा से वहां एक बांध बना रहा है, जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, सलमा बांध। कौन सा बांध बना रहा है? सलमा बांध बना रहा है अफगानिस्तान में अपने खर्चा से। अफगानिस्तान में भारत अपने पैसा से, अपने खर्च से भारत अफगानिस्तान में वहां का संसद भवन का निर्माण कर रहा है। वहां का क्या बना रहा है? संसद भवन का निर्माण बना रहा है। तो सलमा बांध और संसद भवन बना रहा है। भारत अपने पैसा से अफगानिस्तान को हेलीकॉप्टर और हवाई लड़ाकू जहाज दे रहा है ताकि वहां के आतंकवादियों का सफाया करो, क्योंकि वो आतंकवादी सीधे आके भारत में हमला कर देंगे, तो हम लोग उसको मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है, यहाँ पूरा पहाड़ होता है और अफीम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, अफीम की यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा होती है। तो यहाँ भारत कैसे कनेक्टिविटी पहुंचाएगा? हवाई जहाज से तो ले जा सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज का किराया इतना महंगा होता है कि सामान ढोइएगा हवाई जहाज से तो बिक जाइएगा, आप ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए भारत ने दिमाग लगाया, यहाँ से चाबहार बंदरगाह बनाया और यहाँ जेदान तक एक ट्रेन बिछाने का प्रोजेक्ट था। आप बताए होंगे आपको कि इसमें बहुत सारा लेट होने लगा। अमेरिका कहा कि तुम भारत से, ईरान से रिलेशन अच्छा रखोगे तो हमसे गड़बड़ हो जाएगा, तो भारत थोड़ा सा दबाव में आ गया और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाया। तो ये चाबहार बंदरगाह हम लोग डेवलप कर रहे हैं और यहाँ से जेदान तक यहाँ से हम लोग रेल लाइन ले जाएंगे। उसके बाद ये रेल लाइन जो है जेदान के बाद ये घुस जाएगी अफगानिस्तान में और ये रेल लाइन अफगानिस्तान में घुस जाएगी। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर ये रेल लाइन बन के कामयाब हो गई तो इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में एक देश है जिसका नाम है ताजिकिस्तान, उस ताजिकिस्तान में हम लोगों ने अपना सेना का अड्डा ले रखा है दुशांबे में, जब वो देश पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो यहाँ से हम कनेक्टिविटी यहाँ ले जा सकते हैं। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आप अगर समझदार हैं, कोई जियो पॉलिटिक्स में आपकी रुचि है तो आप अपने अंदर से आइडिया लगाइए कि ये जो सीपीईसी सड़क जा रही है, क्या हम लोग इसका जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं सीपीएसई का? ये सीपीईसी का एक मुंह पर तमाचा है कि देख बेटा तोरा सीपीईसी हम बताएंगे, और सीपीईसी से केवल और केवल फायदा चाइना को होगा, पाकिस्तान पूरी तरह से डूब जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन यहाँ ईरान जो है, ईरान की मदद चाइना ज्यादा कर देता है, इसलिए ईरान को अगर भारत और चाइना दोनों में से किसी एक को चुनना रहेगा तो नो डाउट वो चाइना को चुन लेगा, क्योंकि चाइना के पास पैसा है। चाइना की जो नीतियां हैं वो एकदम फिक्स है कि हम ऐसी ही नीतियों को मानते हैं, लेकिन भारत के पास पार्टियां बदलती हैं तो नीतियां भी बदलने लगती है। इसलिए भारत पे ईरान उतना ज्यादा बिलीव नहीं करता है, क्योंकि भारत के पास पैसा भी नहीं है और अमेरिका के प्रभाव में भारत आ जाता है। तो ये हम लोग जो ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में घुसने का प्रयास कर रहे हैं ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसका मेन टारगेट है हमारा जो सांबे में एयरपोर्ट है जो एयरफोर्स का, इससे हम डबल गेम खेल सकते हैं। जो ये सीपीईसी है, चाइना इसीलिए बना रहा है ये सीपीईसी कि युद्ध के समय में चाइना के सामानों को कोई नुकसान ना कर सके, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो चाइना इस डायरेक्शन से आएगा अपना जहाज वगैरह लेके, तो भारत हिंद महासागर में उसको ब्लॉकेज लगा के धो देगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हमारे हिंदुस्तान वाले जो सैनिक है वो चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं यहाँ। आप अगर यहाँ से सीपीईसी से सड़क लेके जाइएगा तो हमारा यहाँ सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, यहीं से ठोक देंगे। और यहाँ हम लोग रेडी कर रहे हैं, बस कमी यह है कि हम लोग बहुत धीमी गति से रेडी कर रहे हैं, और जो नेता विपक्ष में बैठे हैं या जो सरकार में बैठे हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि ये सब काम में लेट नहीं होना चाहिए, इसे तुरंत बनाना चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी डेवलप कर लेना चाहिए। तो जो समस्या चाइना को यहां से भागने पर हो रही थी कि हम घेरा जाएंगे, वही समस्या हम यहां घेर देंगे, उधर से मार देंगे, इधर से मार देंगे, तो तुम जो वहां से भाग रहे थे यहां भी तो घेरा जाओगे, आराम से घेरा जाओगे। लेकिन अगर इसमें लेट करेंगे तो हो सकता है चाइना इसको पैसा खिला दे या अफगानिस्तान या ईरान को पैसा खिला दे। इसलिए भारत सरकार को विदेश के मामले में तेजी रखनी चाहिए। आप अमेरिका में चुनाव देखिएगा तो वहां दोनों बड़े उम्मीदवार
बाइडेन है और ये ट्रम्प है, दोनों एक दूसरे में डिस्कस करते हैं और डिबेट करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई डिबेट नहीं होता। हमारे यहाँ डिबेट में जानते हैं क्या, रिया चक्रवर्ती, नहीं तो एक अनपढ़ किसी मौलाना को उठा लाएंगे जिनको कभी स्कूल कॉलेज में नहीं देखा, और एक तो कोई सड़क छाप नेता उठा देंगे, दोनों को लड़वा देंगे, ना वो पढ़ा है ना ये पढ़ा है, दोनों लड़ जाएंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये हमारे यहाँ होता, ऐसा भी होना चाहिए कि हमारे देश में डिबेट होना चाहिए। एक बार आप बैठा के राहुल गांधी और मोदी जी से डिबेट कराइए, भाई बढ़िया है, आप करके देखिए यहाँ पर। और जितने भी बड़े, ऐसा नहीं है कि दुनिया में, एक हिंदुस्तान में जब भी पॉलिटिक्स की बात आती है तो एक राहुल गांधी और ये मतलब मोदी जी ही हैं, ऐसा नहीं है, सब में डिस्कस कराना चाहिए ताकि आगे हम ये नहीं करें कि आप किसी को प्रधानमंत्री बनाए, कोई भी आइडिया ले सकता है, तो इसको काम करना चाहिए, इससे हमको ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। और चाइना आज भी इसी से डरा हुआ है, इसीलिए चाइना जो है वो ईरान को अपने फेवर में लेना चाहता है, लेकिन भारत ईरान से पेट्रोल खरीदते रहता है, तो भारत को भी चाहिए कि ईरान को अपने फेवर में रखे, अफगानिस्तान को भी क्या करे, अपने फेवर में रखे रहे। अब अफगानिस्तान के आपको नेचुरल चीजें समझ में आ गई होंगी, अफगानिस्तान में खेती के लिए कुछ भी नहीं है, भारत इस रास्ते बम्बई से जहाज से यहाँ पर गेहूं भेजा और उसके बाद से ये सड़क के रास्ते यहाँ पर 11,000 टन गेहूं भेजा था। तो भारत, अफगानिस्तान के लोग भारत से बहुत अच्छे रिलेशन में, हम लोग जब इलाहाबाद में पढ़ते थे तो हम लोग के एक दो दोस्त भी थे सब, जो उस समय अफगानिस्तान के रहने वाले थे सब, तो वहां से भी हम लोग के साथ पढ़े थे सर। अफगानिस्तान के बहुत से लड़के इंडिया में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, आप दिल्ली वगैरह के अगर आप क्लास के होंगे, आप ये दिल्ली से अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास में मिले होंगे लड़के। नेपाल के तो बहुत से लोग इंडिया में पढ़ते हैं, खास करके यूपी बिहार और दिल्ली में। तो अफगानिस्तान जो है पहाड़ी एरिया है, यहाँ केवल और केवल खेती होती है किस चीज की, तो अफीम की। तो अफीम यहाँ बहुत ज्यादा होता है, अफीम जो होता है वो एक नशे वाली चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अफीम को इंग्लिश में बोलते हैं ओपियम, अफीम को क्या कहते हैं ओपियम, ओपियम जो होता है एक नशीली पदार्थ होती है जो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा होता है। अब आप बताइए, कोई भी चीज अगर होगा तो उसका असर अगल बगल के भी एरिया में पड़ेगा, जैसे अगर यूपी बिहार में गेहूं होता है तो ऐसा थोड़ी है कि मध्य प्रदेश में नहीं होगा, अगल बगल में भी होता है। तो कुछ अफीम पाकिस्तान में भी होता है, कुछ अफीम ईरान में भी होता है, तो ये तीन देश जो है ना, ये अफीम के उत्पादन के लिए, ओपियम के लिए बहुत फेमस है। और अफीम की दो चीजें होती हैं, अफीम का यूज सेना भी करती है, क्योंकि जब सेना को गोली लग जाती है ना तो अफीम से ही बनाया गया मार्फीन जो दवा होती है वो खा लिया जाता है, तो आपको गोली का दर्द नहीं होगा। तो सेना को भी जरूरत है, डॉक्टर को भी जरूरत होती है, जब बेहोश करेगा या दर्द होगा, गोली वगैरह निकलता है, तो वहां पे भी अफीम की जरूरत है, दवा बनाने में भी। और जो नशेड़ी होते हैं लोग आजकल, तो फिल्म इंडस्ट्री जो अफीम पे घुस गया, अफीम पी गया टुल रही है यहाँ पर, तो उनकी जरूरत है। तो अफीम भले ही इलीगल चीजें हैं, लेकिन इलीगल चीजों का इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू ज्यादा होता है। तो इसलिए पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और ईरान को, ये तीनों जो तीन देश लगातार ये तीन देश देख रहे हैं, इन तीन देशों को हम लोग गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जानते हैं गोल्डन ट्रायंगल। ये तीन ऐसे देश हैं जिनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा अफीम है, ये अफीम की मात्रा में ज्यादा रखते हैं, इसलिए अफगानिस्तान में अफीम का उत्पादन ज्यादा हो जाता है। इन तीनों गोल्डन ट्रायंगल में सबसे ज्यादा अगर ओपियम यानी अफीम कोई बनाता है तो अफगानिस्तान बनाता है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अफगानिस्तान के ऊपर के जितने देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने देश हैं, ये पहले रूस का हिस्सा थे सब, सोवियत संघ का हिस्सा थे सब, ये रूस की बाउंड्री यहां तक थी। रूस ने सोचा कि हम पाकिस्तान को, उस समय शीत युद्ध चल रहा था, हम आपको कल के क्लास में शीत युद्ध बताए थे कि अमेरिका चाहता था पूरी दुनिया में हम बढ़ जाए और रूस चाहता था हम बढ़ जाए। इसी बीच अमेरिका ने पाकिस्तान, पीओके का जो एरिया है, जो हम लोगों से वो छीना है, उस एरिया में अमेरिका ने अपना सेना का एक अड्डा ले लिया जो गिलगिट नाम था। ये जब हम कश्मीर पढ़ाएंगे तब बताएंगे गिलगिट। तो रूस ने कहा कि तुमने गिलगिट ले लिया है, तो रूस इस गिलगिट के जवाब को देने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तो क्वेश्चन आएगा, अफगानिस्तान पर हमला सबसे पहले किसने किया? तो रूस ने किया था हमला। किस लिए? क्योंकि रूस पाकिस्तान को घेरना चाहता था, अगर पाकिस्तान को घेर लेता तो वो अमेरिका के इस जो अड्डा लिया हुआ है यहाँ पर, उसका जवाब दे सकता था। लेकिन अमेरिका ने एक बहुत ही खतरनाक कांड कर दिया, क्योंकि शीत युद्ध था, कोल्ड वार में अमेरिका ने डायरेक्ट रूस पर हमला नहीं किया और ना ही रूस ने डायरेक्ट अमेरिका पर हमला किया। देखिए ना, रूस तो अफगानिस्तान पर हमला किया है, लेकिन क्यों किया है? अमेरिका को घेरने के लिए। इसलिए अमेरिका साउथ अफ्रीका से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को उठा के लाया, और वो साइंटिस्ट एक बहुत बड़े अमीर घर का था, लेकिन उसके भाषा में बहुत दम था, उसके नेतृत्व में इतनी क्षमता थी कि वो जो साइंटिस्ट था वो क्या किया, यहाँ अफगानिस्तान के युवाओं को
देश प्रेम सिखा दिया कि हमारा देश है रूस, हम यहाँ से, हमारा देश है अफगानिस्तान, हम यहाँ से रूस को मार के भगाएंगे। लेकिन हथियार कहाँ से चाहिए? तो अमेरिका ने कहा हथियार का टेंशन मत लो, हम सारा हथियार तुमको देंगे। अमेरिका ने सारा हथियार दिया और उसी एक साइंटिस्ट के नेतृत्व में, एक नेतृत्व में उठा के दुनिया का सबसे बड़ा रूस को वो उसने अकेले लड़ के भगा दिया। जबकि पैसा उस साइंटिस्ट को किसने दिया? अमेरिका ने। जबकि हथियार उस साइंटिस्ट को किसने दिया? अमेरिका। जासूसी किसने सिखाया? अमेरिका। जितने चीजों की जरूरत थी वो किसने दिया? अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि रूस को भगाया जा सके। और वो अकेला साइंटिस्ट अफगानिस्तान के लोगों को जुटाकर और युद्ध नागरिकों को सैनिक बना के भगा दिया। उस साइंटिस्ट का नाम जानते क्या था? ओसामा बिन लादेन। समझ में आ गया? जब तक ओसामा बिन लादेन अमेरिका के लिए काम कर रहा था वो देश प्रेमी था, और जैसे उसने अमेरिका को ठोक दिया आतंकवादी हो गया। वाह रे भाई वाह, ये है शीत युद्ध। दुनिया में एक भी अगर खून बह रहा है ना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध है। आपको पढ़ाया नहीं जाता है इस हिसाब से, इसलिए आपको लगने लगता है। आप ओसामा बिन लादेन को हथियार क्यों दिए? ओसामा बिन लादेन के पास हथियार कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? अमेरिका तक जाने का रास्ता क्यों आया? उसको CIA का ट्रेनिंग किसने दिया? उसको पैसा किसने दिया? सारा काम तो आपने किया। जब आपके इशारे पे वो रूस को मार रहा था तो फिर आपको मार दिया, तो आप बुरा मान गए? हद है भैया, ये बात हम यूट्यूब पे बोल देंगे तो यूट्यूब अमेरिका की कंपनी है, वो हमरे को कहेगी खान साहब तू ढेर पढ़ा रहो लड़कन के, ढेर तू अपने पढ़ाओ यहाँ पे, इसलिए मजबूरी है। तो जो लोग यहाँ करते हैं लोग ना अप्लीकेशन के क्लास को इसीलिए कहते हैं, यूट्यूब पे देख लिए तो फिर हम एक्शन ले लेते हैं, क्योंकि फिर हमारे ऊपर भी एक्शन हो सकता है। हर चीजें आपको खुलकर नहीं बताना चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्लास है तो हम तो बताएंगे, इसीलिए ना ये अप्लीकेशन है। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आतंकवादी आप खुद बताओ, हम मानते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने गलत किया, और 110% हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि उसे कोई अधिकार नहीं है कि 9/11 26/11 के हमले में किसी मासूमों को जान ले। लेकिन हम ये अमेरिका से पूछना चाहते हैं कि ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी को लाइए, हथियार दीजिए, पैसा दीजिए, मारिए? वो सैनिक थोड़ी था यहाँ पे, आप अपने लिए उसको इस्तेमाल किए। जिस तरह भारत ने LTT का इस्तेमाल किया, चाइना ने माओवादियों का इस्तेमाल किया, ओसामा बिन लादेन ने किसका इस्तेमाल किया? और ओसामा बिन, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का। तो जो इस्तेमाल कर रहा है वो देश कहलाएगा, और जो पीस रहा है वो आगे जाके आतंकवादी कहलाएगा। भारत की ओर से लड़े थे LTTE के लोग, चाइना की ओर से लड़े थे माओवादी लोग, और अफगानिस्तान अमेरिका की ओर से लड़े थे ओसामा बिन लादेन। आप बताइए, ये सारे के सारे लोग लड़े थे किसी के कहने पर, लेकिन ये सारे के सारे लोग घोषित हो गए आतंकवादी। क्या इन्हें जन्म देने वाले को आप कुछ नहीं कहेंगे? कोई बात नहीं, आप समझदार हैं। अफगानिस्तान समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अफगानिस्तान से ओसामा बिन लादेन ने किसको भगा दिया? रूस को। लेकिन यही ओसामा बिन लादेन जो था वो अमेरिका से बदला लेना चाहता था, क्योंकि अमेरिका ने भी एक देश पर हमला किया था। यहां ये तो बैटरी खत्म हो गया। बैटरी खत्म हो गया था इसलिए आवाज रुक गई होगी। देखिए, अब आप कहिएगा कि ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे क्यों हमला कर दिया? तो इसकी कहानी पुरानी है। 1948 में अमेरिका ने फिलिस्तीन पर बम गिराया था और वहां के मुसलमानों को भगा दिया वहां से, और कहा कि यहाँ पर हम एक नया देश बनाएंगे इजराइल। तो उसी इजराइल का बदला लेने के लिए अमेरिका ने, ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर बम गिरा दिया, और कहा अमेरिका से कि फिलिस्तीन पर जब तुमने बम गिराया था तो बोलो वहां के लोगों की क्या गलती थी। हम ये बात मानते हैं, ओसामा बिन लादेन ने कहा था, हम ये बात मानते हैं कि हमारी जो हवाई हमला हुआ था इसमें अमेरिका के जो मारे गए लोग हैं उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अगर पूरी दुनिया में बम चलाने का अधिकार केवल अमेरिका को तो नहीं है। अमेरिका ने वियतनाम में इसी शीत युद्ध में 27 करोड़ बम गिरा दिए थे, वहां का तो पूरा तहस नहस कर दिया था। 27 करोड़ बम गिराया था, हम आगे बताएंगे आपको। ये शीत युद्ध इतना छोटा तो है ही नहीं है, ये आज तक चल रहा है शीत युद्ध। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जान लिया तो कोल्ड वॉर ने लिया। कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर क्या था कि हम तुमको आगे नहीं देख सकते, तुम हमको आगे नहीं देख सकते। आज भी आप देखिएगा, आपकी जब पत्नी की, आपका जब शादी हो जाएगा तो आपकी पत्नी में और आपकी ननद मतलब बहन में, ये वो दोनों तो ननद लगेंगी, ननद भौजाई, तो ननद भौजाई में आज भी शीत युद्ध चलता है। डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे सब, लेकिन दूसरे को लड़वा देंगे सभी सब। इसमें समझदार व्यक्ति वो है जो समझ जाए शीत युद्ध क्या है। समझ में आएगी नहीं? किसी को दिक्कत? आगे देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में।
धीरे धीरे रूस पूरी तरह से टूट गया। 1991 में रूस टूट गया, 15 देशों में टूट गया। 15 देशों का नाम याद करा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये अफगानिस्तान हो गया। अब अफगानिस्तान के लोग भी कुछ गलती कर दिए, देखिए कैसे। अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन जब मारा गया, तो उसके बाद ओसामा बिन लादेन का जब पोल खुल गया, तो यहाँ पर तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, उसका यहाँ पर उदय हो गया, तालिबान वालों का, और अफगानिस्तान यहाँ पे। अब इन आतंकवादियों को हम समझ में नहीं आता, ये कह देंगे तो बुरा मान जाएंगे लोग। ये कहते हैं अपनी लड़कियों को कि तुम क्लास 6 के ज्यादा आगे मत पढ़ो, मतलब कक्षा 6 के आगे तुम मत पढ़ाई करो। मतलब क्यों? क्योंकि ये डरते हैं, क्योंकि इनको अपनी बेटियों पे भरोसा ही नहीं है। इनको डर लगता है कि हम अपनी बेटिया को भेजेंगे पढ़ाने के लिए तो फंस जाएगी दूसरे से। अरे यही ना रीजन है, आपकी बेटी अगर नहीं फंसेगी तो किसी दूसरे की औकात है जो फंसा ले। हम किसी लड़की को लाइन मारते रह जाएंगे, वो नहीं पटना चाहेगी तो हमसे फंसेगी, नहीं ना, ताली दोनों ओर से बजती है। ये कहिए कि शुरुआत लड़कवा कर देते हैं सब, यही खलिया रहते हैं आवारा गर्दी के लिए। तो ये कहते हैं कि तुम क्लास करने मत जाओ क्लास 6 के बाद, क्योंकि लड़का लाइन मारेगा, समझेगा। लेकिन अगर कोई महिला किसी पुरुष डॉक्टर से, मेल डॉक्टर से जाके अपना इलाज करा लेती है, तो ये आतंकवादी उस महिला को भी मार देते हैं। रे गधई, तुम पुरुष से जाके क्यों इलाज कराई? अरे लोल, तुमने महिलाओं को क्लास 6 से ज्यादा पढ़ने नहीं दिया, तो महिला डॉक्टर पैदा कहां से होगी रे? तो जो बीमार पड़ा ले पुरुष से ना दिखाएगी तो चाचा से दिखाएगी तेरा? अजब हाल है भाई, सारा नियम कानून महिलाओं पे लग जाता है। चलो भैया, आप अगर चाहते हो कि आपकी महिलाएं, मतलब ये जो प्रेम वाली चीजें होती हैं, ये किसी की संस्कृति में नहीं है, ना हमारी संस्कृति में है, और नहीं वो सनातन संस्कृति या नहीं हिंदू धर्म की संस्कृति में, ना इस्लामिक धर्म की संस्कृति में। अगर आप इसको रोकना चाहते हैं, अच्छी बात है कि चलिए आप अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं। वेस्टर्न कल्चर, हिंदुस्तान में भी वेस्टर्न कल्चर आ गया है, यहाँ पे भी लड़कियों को कहिए तो आप अपने दिमाग लगाती, तो कम से कम लड़कियों के लिए अलग कॉलेज खोल दीजिए। हिंदुस्तान में आज भी लाखों ऐसे कॉलेज है जिसमें केवल लड़कियां पढ़ती हैं, ऐसा तो कम से कम आप सीधे कहते हैं पढ़ने नहीं देंगे। मलाला यूसुफ जई को सीधे बम मार दिया, अजब हाल है। पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं सब ना, तो आतंकवादी कहते हैं सब अफगानिस्तान वाला पाकिस्तान वाला, ना पोलियो मत पिलाना, क्योंकि जिस बच्चा को तुम पोलियो पिला रहे हो ना, ये 2 बूंद इसीलिए पिलाया जा रहा है कि जब ये बड़ा होगा तो इससे 2 गो बच्चा पैदा होगा। अब जरा आप सोचिए, इन सालों को ये समझ नहीं है कि ये बच्चा बड़ा होकर आगे डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने, इसका टेंशन नहीं है। उनको टेंशन इस बात का है कि बड़ा होकर धड़ाधड़ बच्चा पैदा करे। अरे भैया, इतना बच्चा पैदा करने का शौक है तो भेज दो अपने अपने मेहरारू लोग को हिंदुस्तान में। अब बोलो कि इनको गर्भवती करके भेज दो, यहाँ से भेज देगा सब वहां पर। अजब हाल है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वालों को समझे में नहीं आता है यहाँ पर। ये गलत चीजें है ना, ये पोलियो 2 बूंद पिलाइएगा अगर किसी को, तो आप बताइए 2 बूंद पोलियो पिलाने से 2 गो लड़का होगा। अब वहां की सरकार भी लोल है, कहती कि ना 2 बूंद, अरे कटोरा से पियाओ, सोचो 1 कटोरा पिया दो। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए पोलियो रहेगा, तो वायरस डिजीज है, वो इंडिया में भी चला आएगा घूम फिर के, कैसे चाइना से कोरोना चला है। इसलिए भारत को टेंशन है, हम लोग कोई शुभचिंतक थोड़े बैठा है। तो एक आतंकवाद का समस्या है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, अफगानिस्तान का खामियाजा भुगतना पड़ गया म्यांमार के लोगों को। म्यांमार के लोगों को कैसे, देखिए सब लोग समझ रहे हैं लोग ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर आपका कितना यूट्यूब चैनल है? मेरा एक ही यूट्यूब चैनल है, खान सर खान जी श्री सर सिंह। अरे कुछ कुछ लोग नकली चैनल बना देते हैं, उन लोग को भी कहते हैं नाम चैनल पे एकदम स्पष्ट नाम लिख दीजिएगा, ये खान सर का ओरिजिनल चैनल नहीं है सीधे, नहीं तो किसी दिन हम उठेंगे तो फिर एक्शन ले लेंगे। देखिए इनका खामियाजा कैसे, भाई कमेंट में नहीं ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान, अफगानिस्तान का एक जगह है बामियान, उसकी राजधानी काबुल के पास है, उसकी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास है बामियान। इस बामियान में महात्मा बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति थी, वो एक पहाड़ को काट कर बनाया गया था मूर्ति बामियान में, वो बहुत ही बड़ी मूर्ति थी बामियान की। आपको अगर वो दिखाएंगे मूर्ति तो देखिएगा, बामियान की जो मूर्ति थी उसको मार के गिरा दिया अफगानिस्तान वालों ने। अब देखिए इतनी बड़ी मूर्ति थी जो इसको बम से मार दिया, क्या जरूरत थी बम से मारने की मूर्ति को, इतना बड़ा मूर्ति इतना मेहनत से बनाया गया था, अब बम से उड़ा दिया लोगों ने मूर्ति को। ये
ये देखिए महात्मा बुद्ध की ये मूर्ति है। अब ये कितनी ऊंची होगी मूर्ति अंदाजा लगाइए। यहाँ एक टूरिस्ट खड़ा हुआ है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये खड़ा नहीं आदमी, ये आदमी खड़ा है। इसके मूर्ति कितनी भयानक होगी। एक्चुअली में ये मूर्ति था ही नहीं, एक्चुअल में क्या था कि ये एक पहाड़ था। एक्चुअली में ये एक पहाड़ था, एक्चुअली समझते हैं, दरअसल सीबीएसई बोर्ड वाला ना बोलता है एक्चुअली, ओ माय गॉड एक्चुअली, ये सब सीबीएसई बोर्ड वाला सबका मुहावरा है। तो देखिए ये एक्चुअल में एक पहाड़ था, विशाल पहाड़ था। इस पहाड़ को कारीगरों ने काट काट कर उसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई। अब अफगानिस्तान वालों ने आए तो बम मार के उड़ा दिया, तालिबान वालों ने। बताओ भैया, बताइए कितना मेहनत से बनाया था, बम मार के उड़ा दिया है। इसका खामियाजा म्यांमार में कैसे भुगतना पड़ा। यहां तो मुस्लिम लोग अधिक थे, मुस्लिम लोग अधिक थे तो महात्मा बुद्ध को उड़ा दिए वहां से। अब यहां पर म्यांमार है, म्यांमार का ये वाला एरिया का नाम है रखाइन। रखाइन प्रांत में जो रहने वाले मुस्लिम है उनका नाम है रोहिंग्या, और यहाँ पे रहने वाले ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं। और बौद्ध धर्म का मानना है कि आप पशु पर अत्याचार मत कीजिए, पशु की बलि मत दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगे तो दुर्गा पूजा में विदे दशमी की कब बलि चढ़ाया जाता है, बकरे की दशमी में कि नवमी में बलि दिया जाता है ना वहां पर। तो वहां पर तो भारत में भी बलि चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन यहाँ पर भारत में अगर देखेंगे तो हिंदू धर्म में भी बलि चढ़ाने की परंपरा है कुछ खास समय में, जैसे दुर्गा पूजा। लेकिन अगर मुसलमान धर्म में देखेंगे तो इस्लाम धर्म में बकरीद में तो बहुत ज्यादा कुर्बानी दिया जाता है, तो वो भी एक परंपरा है। तो हिंदुस्तान में कुर्बानी को लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ मुसलमान और हिंदू यही दो धर्म की अधिकता है। तो हिंदू धर्म में भी बलि की परंपरा है तो वो भी नॉर्मल लेते हैं इसको, और मुसलमान में तो भाई बलि बकरी त्योहार है उसका, तो वो भी नॉर्मल लेते हैं। लेकिन जहाँ बौद्ध धर्म की अधिकता है, यानी कहाँ पर, म्यांमार में, यहाँ पे तो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध कहिए के गए थे कि आप अत्याचार मत कीजिए, तो ये इस लोगों से कहते थे कि तुम बकरीद में कुर्बानी मत दो, तो ये लोग देते थे लोग। तो इसने कह दिया यहाँ की सरकार ने कि आपको बकरीद में कुर्बानी देना है तो घर के अंदर दीजिए, बाहर सामूहिक रूप से मत दीजिए। तो ये लोग मानिए नहीं रहे थे। तब तक यहां पर हो गया ये इन्होंने क्या तोड़ दिया, बम से उड़ा दिया। जब बम से उड़ाया था इन लोगों ने, तो इन लोगों ने उसका जरा भी विरोध नहीं किया। तो यहाँ के लोगों के दिमाग में एक भर गया कि ये लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे साथ में जहां इनकी अधिकता है तो वहां तो हमारा तूर दिए लोग, महात्मा बुद्ध की मंदिर मूर्ति तोड़ दिए, और जहां इनकी अधिकता नहीं है वहां हमारा बात नहीं मान रहे, तो कचर के काट दिया सब इनको रातों रात, घर में घुस घुस रेप कर दिया सब, मर्डर कर दिया सब, दुनिया भर का कर दिया सब। तो इन लोग को भाग के आना पड़ा अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रोहिंग्या को भाग के आना पड़ा, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में भी भाग के आए लोग। अब हम लोग तो उन्हें शरणार्थी कहते हैं कि भैया हम लौटा देंगे। तो रोहिंग्या समस्या भारत के लिए कोई मुख्य समस्या नहीं है, वो हमारे लिए लिस्टेड शरणार्थी है, ये पूरी दुनिया शरण देती है। क्योंकि कभी भारत को भी अगर बाई दीवे जरूरत पड़ गया, यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ गया, भूकंप आ गया या सुनामी कुछ भी आ जाता है, तो हमारे लोगों को भी कोई शरण देगा, इसलिए हम ये फ्यूचर को देखकर दूसरे लोगों को शरण देते हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ म्यांमार के लोगों, अगर आप मानवता के हिसाब से देखिएगा तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। मेजोरिटियन की चीज को लेकर नहीं चलना चाहिए, वरना जहां आपकी अधिकता है वहां आप शेर बनेंगे, और जहां आपकी अधिकता नहीं है वहां आपको सुअर बना के मार देगा यहाँ पर। तो दोनों में अंतर है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों में। तो यहाँ पे मुसलमान लोग अपना वर्चस्व दिखा रहे थे तो बौद्धों को खामियाजा भुगतना पड़ा, यहाँ बौद्ध धर्म वालों ने अपना वर्चस्व दिखा दिया तो मुसलमानों को खामियाजा भुगतना पड़ा। तो बामियान क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ थी, बामियान में। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति वर्तमान में कहाँ है, तो स्प्रिंग बुद्धा है आपका चीन में। लेकिन कहेगा दुनिया में सबसे ऊंची महात्मा बुद्ध की मंदिर कहाँ है, तो इंडोनेशिया के बाली में। देखिए मूर्ति थी अफगानिस्तान में, मूर्ति है चीन में, मंदिर ऊंचा तो बाली में, इंडोनेशिया के बाली में महात्मा बुद्ध की। हालांकि महात्मा बुद्ध हिंदुस्तान से हैं, यहाँ पे तो आपको बढ़ाई भी की है, महात्मा बुद्ध लुम्बिनी के थे, बिहार में ज्ञान मिला, यूपी में आके उपदेश दिए, यहाँ से चल गए। हालांकि हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म की उतने ज्यादा लोग नहीं है, आप में से बहुत लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते होंगे, समझ में आ गया कि नहीं। तो मेरा कहने का सेंस क्या है कि अगर आप कहीं पे गेहूं बोएंगे तो उसमें लड्डू नहीं फलने वाला है,
गेहूं फैलेगा, अगर आप जहर बोएंगे तो जहरे फैलेगा। तो सबको मिल बांट के रहना चाहिए। आप यहाँ पर अगर उस महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति थी, आज अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था कितनी चौपट हो गई, अगर उस मूर्ति को अच्छा से सजा देता और 100-100 रुपया टिकट देता ना कि 100 रुपया में आके देखो, तो चाइना वाले जाते उस मूर्ति को देखने, भारत के बौद्ध लोग जाते, लोग म्यांमार वाले जाते, जापान वाले, ये सब बौद्ध वाले हैं सब, थाईलैंड वाले, ये सब जाते सब, और अफगानिस्तान बहुत ज्यादा पैसे से अमीर हो जाता है। और आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप एक बार बिहार आइएगा और बिहार में बोध गया जाइएगा। बोध गया में लोग जिंदा रहते हैं ना, तो उन्हीं टूरिस्टों के खाने के बदौलत बहुत फायदा होता है, होता है। आप गोरखपुर के कुशीनगर आइएगा, जब बौद्धों का मेला लगता है, बहुत सारी इनकम होती है। तो आप इस तरह से भी कमा सकते थे। और बम मार दिए तो केवल गाली सुने, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक सभ्य समाज की ये परंपरा नहीं होती है। तो ये अफगानिस्तान में भी एक समस्या थी जिसे लेकर अफगानिस्तान झेल रहा है, जिस वजह से हमारी सारी नीतियां वहां सक्सेस नहीं होती है। अफगानिस्तान के पब्लिक हम हिंदुस्तानियों को पसंद करते हैं, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हम हिंदुस्तानियों को पसंद करती है, लेकिन जो वहाँ उग्रवादी संगठन है उन लोग के आंख में हम लोग खटकते हैं। हमारा बस चलता, हमारा कब्बे उठा के मार देगा सब। इसलिए कहते हैं कि यूट्यूब पे इस वीडियो इस सब चीज को यूट्यूब पे नहीं बता सकता आदमी खुल के, क्योंकि नॉर्म्स होते हैं उसके। आप समझ रहे होंगे इस अफगानिस्तान वाला इशू को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है? अफगानिस्तान समझ में आ रहा है? प्रवीण कुमार शर्मा जी, सर आप गजब पढ़ाते हैं। अरे भाई अभी तो शुरुआत हुआ, अभी आप जाने का है सर, रोड खत्म सर, सीपीएसई रोड खत्म हो सकता है क्या? खत्म कैसे हो सकता है, मार के गिरा दीजिए और कैसे खत्म होगा? सिंपल सा रास्ता है सीपीएसई को खत्म करना, इनका भी कहना है सर सीपीएसई बन गया, चलिए कोई बात नहीं, अब खत्म कैसे होगा? तो खत्म भी हो सकता है। देखो भैया ये हमारा कश्मीर है, ठीक है, ये पीओके ले गया है, हम अपना पीओके वापस ले आएंगे तो ये यहीं खत्म हो गया, ये यहाँ पे आके रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा, खत्म हो जाएगा बाबू, कुछ दिक्कत नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिए। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी, एक ना एक दिन तो उसको कटना ही है, एक ना एक दिन हम लेके आएंगे उसको, पीओके को हम लोग लेकर आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग आगे बढ़िए बाबू, हम लोग क्या कर सकते, आप आगे बढ़िए, पढ़िए लिखिए, बड़े बड़े अधिकारी बनिए, वहां जाके संभालिए, हम लोग तो अपनी जिंदगी अब जी चुके, अब हमारे क्या कर सकते, आपकी सेवा कर सकते, आप इस देश के नए सितारे हैं उभरते हुए, आप बढ़िए। जिस दिन आप बढ़ेंगे ना, जिस दिन आप पढ़े लिखे रहेंगे, उस दिन सरकार के आंख में आंख डाल के कहेंगे कि आप पीओके लाएंगे ना तो अगली बार वोट देंगे। आप ये करिएगा तब हम ये करेंगे, वरना अगर आप अनपढ़ रहेंगे ना, केवल जाति धर्म में बटे रहेंगे, तो हम अपने हिंदुस्तान को बहुत खोएंगे। आपको अपना हिंदुस्तान बहुत अच्छा दिखता होगा केवल अगर आप हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान को देखेंगे तब, लेकिन अगर दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन नेताओं ने हमसे क्या क्या नहीं छीना, उतना छीन लिया जितना ये छीन सकते थे, हर चीज गंवा दिया। ना इजराइल, ना ही हमारा ईरान से अच्छा सा दोस्ती है, ना ही अफगानिस्तान से अच्छा से दोस्ती है, श्रीलंका से, नेपाल जो कुछ नहीं कर सकता था आंख दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने उस हिसाब से सोचा ही नहीं, उसे गड़बड़ी हमारी भी है, हम लोग ने वैसे ही लोगों के चुन के ही भेजा जिनको कोई मतलब ही नहीं रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। आज गांधी जयंती है इसलिए आज मारधार वाला चीज बहुत कम बताना चाहिए, लेकिन देखिए आज मारधार वाला चीज बता दी, इसलिए आज हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, समय भी हो गया सर। हिस्ट्री वगैरह सारी चीजों को पढ़ाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए बाबू। 9th एडिशन में इतना डिटेल नहीं दिया है, डिटेल थोड़ी दे देगा वो, तो शहर का नाम लिख देगा, और क्या डिटेल थोड़ी देने वाला है। चलिए आप लोग इसको समझेंगे, लोग बुक्स वगैरह लेंगे, लोग एटलस वगैरह ऑक्सफोर्ड का ले लेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा आप ले लीजिएगा, हमने से कोई जबरदस्ती नहीं है, हम यहाँ बताएंगे आप पाकिस्तान का उसमें नक्शा खोले। सर आपका मेरा फर्स्ट क्लास था, कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट क्लास है, आप इस प्रीवियस क्लास में देखिए, जब हम लाइव आएंगे तभी लाइव वाला सेक्शन खुलेगा, लाइव नहीं रहेंगे तो नीचे आपका प्रीवियस क्लास करके खुल जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा गला बच गया है, इस वजह से ज्यादा नहीं चिल्लाएंगे। आप तेलंगाना से हैं सर, इंग्लिश यूज किया करिए ज्यादातर, भाई हम इंग्लिश ज्यादा यूज करेंगे ना तो एक्चुअली ज्यादातर लड़के जो हैं सब वो हिंदी मीडियम के, फिर उनका बाउंस करने लगेगा। कौन कहता है म्यांमार से? बेवकूफ झूठ बोलता है तुम, इंडिया के बाहर मेरा ओटीपी ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इंडिया के बाहर ओटीपी भेजने के लिए हम अलाउ ही नहीं किए, बोलता है म्यांमार से। अरे बकलोन, चलिए अब हम लोग मंडे के क्लास में मिलेंगे। सैटरडे सैटरडे संडे आपका छुट्टी रहता है, पूरे बैच का फाउंडेशन करवा दीजिए, पूरा बैच का करवाएंगे बाबू, आप देखिए।
बात समझिए, हम जो पढ़ाते हैं हम बेसिकली फोकस करते हैं पुअर फैमिली के स्टूडेंट्स पे।